जब भी आप हाईवे साइड के ढाबों पर जाएंगे, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, नासिक, वहाँ के ढाबों पर सेव टमाटर की सब्जी ज़रूर मिलेगी। तो आज हम भी वही एकदम ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे जैसा है। मैं शिखा और मेरे चैनल शिखा रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर रफली चॉप करके लिया है। अब इसमें मिक्स करेंगे 1/2 कप सेव, आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन या गाठिया भी ले सकते हैं। अब इसमें मिक्स करेंगे हम 2 चम्मच कोकोनट पाउडर या कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये टोमेटो पेस्ट तैयार है। तो चलिए अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। सेव की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है, आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, साथ ही कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग, इन सबको डाल देंगे। साथ ही इसमें 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन्हें हल्का सा चला लेंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम लो ही रखना है। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, इन सबको हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट पकने देंगे। थोड़ा सा पकने पर अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें यहाँ 3 से 4 मिनट ही भूनना है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा होने तक पकाएंगे। और अब इसमें मिक्स करेंगे तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ग्रेवी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। नमक यहाँ ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो हमने टोमेटो पेस्ट तैयार किया था उसमें थोड़े सेव डाले थे और सेव में भी नमक होता है। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मसाला अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सेव टमाटर की सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। इस मसाले को पकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ हमने मसाले को करीबन 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट में हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हो इसमें से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ इसमें हम 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से ये होगा कि एक तो हमारी सब्जी जल्दी से पक जाएगी और दूसरा ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा। अब इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और ऑयल भी पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस वक्त हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें सेव भी मिक्स कर देंगे। सेव मिक्स करते ही सेव तुरंत ही ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। ग्रेवी की थिकनेस और कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें जितना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं, पर यहाँ गर्म पानी ही डालें। अब इसे हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे क्योंकि सेव डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और ये हमारी ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। सेव को एकदम लास्ट में ही डालें जब आपको सर्व करनी है, और इसका कलर और टेक्सचर देखिए, एकदम लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी या बटर ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको सेम टू सेम ढाबे वाला टेस्ट आएगा। लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।